नमो नमः गीता महोदया, वैभवी महोदया, मोहा महोदया, सर्वेषां नमो नमः। पर एक सेकंड, शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है या फिर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ, अभी बोलिए कोई तो भी। गीता जी जरा बोलिए। नो साउंड, लेट मी चेक। सर्वेषां नमो नमः। तो मोहा जी, आपको आवाज आ रही है, इसका मतलब है जी। बहुत बढ़िया। तो एक को आ रही है, मतलब सबको आ रही होगी। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक जब तक बाकी लोग भी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। गीता जी नमो नमः। आप कुछ बोलने की कोशिश कर तो रही हैं, पर आपकी आवाज आ नहीं रही। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक शायद नवीन जी और भी कोई आ जाएगा। गीता जी, यू हैव टू यूज द कंप्यूटर ऑडियो इफ यू आर एबल टू हियर मी। वो ऑप्शन आएगा आपको, आपको उस पे क्लिक करना है। यूज द कंप्यूटर ऑडियो। कोई डिस्टरबेंस है अंशु जी? फिर अनम्यूट है तो अभी फिलहाल। नहीं, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाजू में बैठ के बातें कर रही हो। नहीं, बट वो कुछ हवा की, पंखे की, आजू पहले बाजू। पहले हुआ होता था, आजकल नहीं है। तो कुछ तो अच्छा, ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, भगवान की कृपा है। तो हाँ, कहीं से तो कृपा आ रही है। आप इतने बढ़िया बढ़िया काम करते रहती हैं, तो कृपा तो आएगी ना। तो एक मिनट, स्क्रीन शेयर करते हैं। बैच वन। गीता जी गायब हो गई, अभी वापस आएंगी, शायद आ ही रही होंगी। हेमंत जी नमो नमः। शाम नमो नमः। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, पर आ रही है। आपको हमारी आवाज अच्छे से आ रही है? मेरी जी। मोहा जी की? मोहा जी की नहीं आ रही, क्योंकि मोहा जी बोले नहीं रही। नमो नमः हेमंत जी। नमो नमः। चलो, तो चैट में गीता जी कुछ लिख के निकलनी। आई कैन रिवर। ओके, गीता जी अभी फिर से आ गई। नमो नमः गीता महोदया। गीता जी कोशिश पूरी कर रही हैं, पर आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। पर चलो ठीक है, अभी हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आवाज कम से कम आ रही है। और स्क्रीन शेयरिंग चालू करते हैं। आशा है कि नवीन जी या और भी कोई जो लॉग इन करने की कोशिश कर रहा होगा, उसको ये नई लिंक पता चल गई होगी। वैसे तो मैंने कल से डाल दी थी ग्रुप में, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि वो वेबएक्स में अभी भी वो सॉफ्टवेयर ग्लिच है। वो रिकॉर्डिंग, किसी ने पिछली रिकॉर्डिंग सुन के देखी क्या? 1st of November की है शायद, या फिर 29th October, दोनों में से कोई एक दिन की है। और बिल्कुल ही बर्बाद रिकॉर्ड, मतलब वो रिकॉर्डिंग का कोई अर्थ ही नहीं है। आज आपके यहाँ होती है अहोई अष्टमी?
अष्टमी की पूजा की बात कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, पूजा तो नहीं, पर हाँ अष्टमी तो है ही हमारी भी। अष्टमी तो होती है। काफी होता है ना, आज तो पूजा होती है अहोई माता की। अहोई माता, मोजी आपकी आवाज नहीं आई मुझे, लेकिन समझ जरूर गया हूं मैं आप क्या बोल रही हैं। चलिए तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कर लेते हैं। नवीन जी शायद आज नहीं, नवीन जी की अटेंडेंस हमेशा पूरी की पूरी रहती है 100%, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ गए। और वर्षा जी का भी, अरे आपको शुभ समाचार पता है, वर्षा जी को ऑप इंडिया से इनवाइट आया है उनके साथ काम करने के लिए। ओ वाओ, बढ़िया एकदम। और उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम था, एक परीक्षा थी, उसमें भी उनका नंबर आ गया है, तो अभी उसकी भी तैयारी शायद चल रही होगी मेरे ख्याल से, उसके कारण आज उनका मिस हो रहा है। पर बहुत ही बढ़िया समाचार है। और अभी उनको ये भी चुनौती है कि दोनों में से क्या चुने, क्योंकि दोनों एक साथ शायद संभव नहीं होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ओम का उच्चारण कर लेंगे, यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ। ओम, और तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं ताकि इस एक दूसरे की हमको आवाज आ सके जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। पर फिर भी आपके ऊपर है, आप यदि नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, कर लें तो अच्छा है, सबको सबकी आवाज आ जाएगी। चलिए आंखें बंद करते के खोल सकते हैं। तो
पिछली बार हम यहाँ पे थे घटम के, हम ऊपर हमने कुछ वाक्य बनाए थे, कुछ प्रश्न भी किए थे। तो मैं जल्दी से एक दो प्रश्न करता हूँ और आप लोग भी एक दूसरे से वही उस तरह के प्रश्न कोशिश करके देखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस पृष्ठ पे और भी चीज़ें हैं जो अभी देखनी हैं। तो हेमंत महोदय, एतत् घटे किम् अस्ति? मम जवनिकायां घटे किम् अस्ति? हेमंत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेमंत महोदय, मम शृणोसि वा? सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। चिंता मास्तु। मम प्रश्नम मम जीवनिकायां घटे एतत् घटे किम् अस्ति? घटे त्वं यवनिका अस्य यवनिकस्य यवनिकायाम्। अब आपको हमने एक सेकेंड वो दिखा भी देता हूं मैं। हमने गीता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के जब हमने विभक्तियां देखी थी तो वो कहीं पे आपने लिखा हुआ है? एक्चुअली मैंने तीन तृतीय तक लिखा हुआ है, उसके आगे मैंने मिस कर दिया था क्लास। हाँ, मैं वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार दिखा देता हूँ वो विभक्तियां, कि जब भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और वैसे हमने उसको और भी कई जगह पे उपयोग किया है। ये देखिए, तो एक मिनट, ही ज्यादा चला गया पीछे। सप्तमी, आपको यदि बोलना है कि मम तव यवनिकायाम, तो जैसे आपने बोला त्वम यवनिकायाम, तो त्वम मतलब तो तुम होता है, लेकिन और यदि आपको आपका बोलना है या आपके यवनिका पे, तो आप को याद है भवतः या भवत्याः, अपन जो बोलते हैं आपका या आपकी, है ना? तो एक तो वो चीज आप बोल सकते हैं, और यदि तुम वाले तरीके से भी बोलना है तो त्वम का तव होता है। त्वम मतलब तुम और तव मतलब तुम्हारा, योर्स, तो वो भी चलेगा। पर हम क्योंकि सम्मानजनक तरीके ज्यादा सीख रहे हैं तो भवतः भवत्याः की आदत डालेंगे तो ज्यादा आसान होगा, पर फिर भी तव त्वम ये कहीं ना कहीं पढ़ने में आएंगे आपके, तो पता हो आवश्यक है। भवतः यवनिकायां चित्रे अस्ति, चित्रम अस्ति, जो आकारान नपुंसक लिंग शब्द है चित्र। उत्तमम। चित्रे, चित्रे का मतलब है चित्र में या चित्र पर आप, लेकिन बोलना चाहते हैं कि भवतः यवनिकायां चित्र अस्ति। हाँ, चित्रह अस्ति बोल सकती हैं आप, तो उतना काफी है। तो अब हम
फिर से उसी पृष्ठ पे चलते हैं। हेमंत महोदय, आप वो आपने वो लिखा क्या अभी या आप? जी मैंने लिख लिया। हाँ, और बीच में हमने एक जगह एक दिन उसको उपयोग किया था, दिखाता हूँ मैं फिर से। ये आचार्य जीवनिकायाम, तो जीवनिकायाम जो है हमने उपयोग किया है, मतलब और एक सेकेंड यहाँ पे ये इरेज नहीं होता। यदि मैं किसी लड़की से पूछ रहा हूँ तो मैं बोलूंगा भवती आचार्य से जीवनिकायाम उष्ट्रम पश्यसी वा, तो जीवनिकायाम जो है ये क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जीवनिका, तो उसके विभक्ति भवत्याः क्यों नहीं, मतलब छोटी है उम्र में? नहीं, भवत्याः मतलब आपके या आपका, लेकिन इस समय मैं सिर्फ आप, प्रश्न के। हाँ, तो मैं आपका आचार्य के स्क्रीन पे ऐसे नहीं पूछने की कोशिश कर रहा था, मैं सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि हे महोदया, या मैं भवती कह सकता हूँ या महोदया कह सकता हूँ वहां पे, आचार्यस्य जीवनिकायाम उष्ट्रम पश्यसि वा, तो भवती और भवत्याः का थोड़ा सा अंतर है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं कि भवत्याः या भवतः हम तब उपयोग करेंगे जब हमको ये पूछना है कि आपका या आपकी आपके, जब वो का वाला प्रयोग करना है तब हम पूछेंगे। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि भवत्याः जवनिकायाम किम् अस्ति, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपके जवनिका पे क्या है, वो अलग प्रश्न होगा। तो गीता महोदया, भवत्याः जवनिकायाम किम् अस्ति? अरे गीता जी की अभी भी पता नहीं आवाज आ पाएगी कि नहीं। गीता जी, ठीक है। वैभवी जी, भवत्याः जवनिकायाम किम् अस्ति? मम यवनिकायां सिंहिका अस्ति। सिंहिका, उत्तमम्। सो भवती सिंहिका भवती सिंहिका अथवा सिंहिकायां चित्रः अस्ति। सिंहिकायाः चित्रमस्ति। अच्छा अच्छा, उत्तमम् उत्तमम्। चलिए अभी आप प्रश्न कीजिए कुछ इस पृष्ठ से जुड़ा हुआ। तो पूछना है अभी गीता जी को छोड़ दीजिए, शायद अभी भी आवाज नहीं आ रही उनकी। आप गीता जी प्लीज अनाउंस, जब आपकी आवाज आने लगे प्लीज कीप ट्राइंग। नवीन जी आ गए। नवीन जी के नमो नमः। नवीन महोदय, सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः। क्षम्यताम्,
हमको आज देर हो गई। चिंता मास्तु, हम लोग बीच बीच में आपको याद कर रहे थे कि आप आएंगे, शायद भले ही कभी भी आए पर आ सकते हैं। का डेलाइट सेविंग चालू हो गया है ना? क्या? शायद इस वजह से, बिकॉज ऑफ द डेलाइट सेविंग नवीन जी। हाँ हाँ, बिकॉज ऑफ द डेलाइट, दैट्स व्हाई यू गॉट अ लिटिल डिलेड आई गेस। तो अभी एक घंटा पहले उठने लगे। हाँ हाँ, सॉरी वैभवी जी, पृच्छतु। महोदयः, भवतः यवनिकायां किम् अस्ति? मम यवनिका? हाँ, मम यवनिका मम कार्यालये अस्ति। प्रश्न शृणोतु वन्स मोर वैभवी जी। यवनिकायाम् अर्थं किम्? ऑन योर स्क्रीन। ऑन योर स्क्रीन, ओके। किम् अस्ति? आचार्य महोदय, मोहा महोदय, गीता मोहा महोदय, गीता महोदय, हेमंत महोदय, उत्तमम् उत्तमम्, एवं वैभवी महोदय अस्ति। संति। परन्तु वैभवी महोदय, हेमंत महोदय मुखं नास्ति, ना पश्यामि मुखं ना पश्यामि। हाँ, हेमंत महोदयस्य वैभवी महोदयायाम्। वैभवी महोदयायाः मुखं न पश्यामि। नो, इट इज इकारान्, इज इट, शुडन्ट इट बी वैभव्याः? वैभवी महोदय इज वन वर्ड देयर। महोदयायाः बोल रहे हैं ना हम, तो हम वैभवी का, वैभवी महोदयः। अस्तु अस्तु, धन्यवाद। एक बार शब्द विभक्तियां फिर से देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। यही तो लाभ है कि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यदि, हाँ यहाँ पे देखो, इधर भी हमने उपयोग किया था उसका। हाँ, वैभविया नदी, नदियाः, सेम थिंग, राइट? हाँ, मोहा महोदयायाः, गीतायाः, वैभव्याः, नर्तक्याः। तो दिस इज ऑफ, दिस इज द षष्ठी प्रयोग। आम आम, तो आकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है षष्ठी में। तो अभी आप जैसे गीता को देख रहे हैं तो गीता याहा, सिर्फ एक याहा लगा दिया, पर वैभवी में जो आखिरी की ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा हट जाएगी और उसकी जगह वो अक्षर आधा हो जाएगा, दिस विल बिकम हाफ, एंड देन सेम याहा उसमें जोड़ना है, तो इसलिए वैभव्याहा। और बिल्कुल वैसी नर्तक क्याहा भी हुआ, क आधा हो गया, क बिकेम हाफ एंड ई वेंट अवे। तो वैभवी महोदय नर्तकी वा? न, वैभवी महोदय चिकित्सकः, वैद्य, वैद्य,
हाँ वैद्यः वैद्यः अस्ति वैद्यः ओके I was going to ask if she danced as well or just oh doctor नर्तन शब्द आएगा वहाँ पे because it was written beside her right so I thought maybe she danced How do we say this कि वैभव्याः महोदया नर्तन मतलब आता है आपको नर्तन आता है पूछना चाहती हो या पूछना चाहती हैं हाँ पूछना चाहती हूँ वैभव्या महोदया नहीं लेकिन देखिए वैभव्याः आप उपयोग कर रही हैं इसका अर्थ है सॉरी नवीन जी आप कुछ बोल रहे थे मैंने आप बोलिए नहीं आप समझा सकते हैं तो आप भी बोल सकते हैं कोई मुश्किल नहीं मैं कुछ नहीं समझा रहा आपको तो वैभव्याः हम कब उपयोग करेंगे जब हमको बोलना है कि वैभवी का या वैभवी ठीक है ना ये षष्ठी का प्रयोग है लेकिन आप मोहा जी अभी जो पूछना चाहती हैं आप पूछना चाहती हैं कि वैभवी महोदया को नर्तन आता है क्या आप ये पूछना चाहती हैं ना मोहा जी आप यही पूछना चाहती हैं पहले तो ये पक्का कर दीजिए हाँ तो अब इसमें वैभवी महोदया का तो कहीं पे आना नहीं है तो हम इधर पे पूछेंगे वैभवी तो नर्तनम है या नर्तन महोदया तो ये नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि ये तो करता है ना इसमें इस वाक्य में करता है तो ये तो प्रथमा है तो वैभवी भी वैसे का वैसा रहेगा महोदया भी वैसे का वैसा रहेगा कुछ अंतर नहीं मतलब उसके मूल शब्द में अभी हमको बदलाव नहीं करना है इसमें क्योंकि प्रथमा है प्रथमा में मूल शब्द इकारांत और आकारांत शब्दों में मूल शब्द वैसा का वैसा ही रहता है जैसे लता गीता मोहा तो वो वैसा का वैसा ही है तो वैभवी महोदया नर्तन और उसके और भी नृत्य भी होता है तो आप नृत्य भी बोल तो नर्तन नाम है या नृत्य नृत्य नम भी चलेगा नृत्यम भी चलेगा नर्तनम भी चलेगा नर्तनम जानति किम जानति तो अब वैभवी महोदया जब उत्तर देंगी तो अब देखते हैं क्या उत्तर देती हैं जानामी बोलती है कि न जानामी बोलती मुझे लगता है जानामी बोलेंगी पर फिर भी वैभवी महोदया उनके ऊपर इतनी बातें हो रही पर उनको कोई बोलने नहीं दे रहा वैभवी महोदया भवती नृत्यम जानस जानसी किम जानामि तो अब उत्तर देखते समय वैभवी जी सिर्फ जानामि भी बोलेंगी तो वो भी एक पूरा उत्तर है और वो अहम जानामि भी बोल सकती हैं तो बोलचाल की संस्कृत में ये होता है कि आपको अहम जानामि पूरा का पूरा हमेशा बोलना आवश्यक नहीं है आपने जैसे किसी ने पूछा तो आप हाँ जानामि जानामि तो वैसा भी आराम से कह सकते हैं और एक और फनी थिंग इज इन इंग्लिश यू यू कांट से नो यू हैव टू से आई नो But in Sanskritam, Telugu, you can just say Janami, or it itself means it. We don't have to explicitly add. हाँ क्योंकि उसी शब्द के अंदर वो दोनों जुड़ा हुआ है ना आमी जब भी आप लगा रहे हैं तो it is implicit कि आप खुद की ही बात कर रहे हैं
जानती मतलब इट इज इम्प्लिसिट कि आप किसी और की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। मोहा जी आप कुछ बोल रही थी? अभी बोलना है तो हम क्या बोलेंगे कि वैभवी महोदया का नृत्य कितना उत्तम था, तो इसमें का आ जाएगा, तो वैभव्या, हाँ वैभव्या, यदि आप वैभवी का ऐसे बोलना चाहती हैं तो वैभव्या अकेला बोलेंगी तो भी चलेगा, लेकिन आप महोदया लगाना चाहती हैं क्योंकि सम्मान के साथ आप बोल, तो फिर आप वैभवी महोदयाया बोल सकती हैं। महोदयाः तो एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ, महोदया दो या लगेंगे ये ध्यान रखना, क्योंकि महोदया का या तो उसका खुद का मूल शब्द का या है, और फिर एक या जो हम अलग से लगाते हैं जो कि उस षष्ठी के कारण है, षष्ठी विभक्ति, तो वैभवी महोदया या, एक मिनट ये थोड़ा सा थ जैसा लग रहा है इसको मैं ठीक कर दूं, महोदयायाः नृत्यम उत्तममस्ति, या उत्तमम तक भी बोलेंगे तो भी चलेगा, अस्ति कभी कभी ऑप्शनल होता है। मोहा जी तो अभी किसको प्रश्न पूछना था? वैभवी जी ने नवीन जी से प्रश्न पूछा ना, अभी मैं यही भूल गया किसने किससे प्रश्न पूछा था। हाँ मेरे ख्याल से नवीन जी से पूछा था, तो नवीन जी अब आप पूछिए कोई प्रश्न। कोई भी प्रश्न चलेगा, ये पेज मैं दिखा रहा हूँ आपको, यदि कुछ इससे आइडिया विचार आता है तो वो भी चलेगा। I'm trying to figure out. So we have to use some particular vibhakti or just a question? Any question, कोई विभक्ति का भी कोई चिंता मत कीजिए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इनमें से कुछ भी आप उपयोग करके प्रश्न पूछ के देख लीजिए। नहीं तो मैं पूछता हूँ तो फिर आप पूछिए, मैं आपके बाद। तो ठीक है, तो आपसे तो वैभवी जी ने प्रश्न किया है, तो आप अपना प्रश्न सोच के रखिए, या हम एक दो प्रश्न करेंगे तो फिर आपको थोड़ा समझेगा कि कैसे प्रश्न करना। अभी मैं थोड़ा सा प्रश्न करता हूँ, और क्योंकि हम संस्कृत में मजे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम संस्कृत को ऐसे एक बुक किताब की भाषा में नहीं सीख रहे, हमको जो चीज सीखने का मन है या हम जो प्रश्न सही में पूछना चाहते हैं हम उसके हिसाब से उसके अनुसार संस्कृत सीखेंगे। ठीक है, तो अब मैं पूछता हूँ मोहा जी से, नहीं चलो अभी मैं हेमंत जी से पूछता हूँ, हेमंत जी बड़ी देर से कुछ बोले नहीं। हेमंत महोदय, गंगायाः जलम घटे अस्ति वा? गंगाया घटम, गंगायाः जलम मतलब गंगा नदी का जल घटे अस्ति वा? गंगायाः जलम घटे अस्ति, आम। हाँ तो आप सिर्फ आम या न भी बोल सकते हैं और पूरा का पूरा भी बोल सकते हैं। चलिए अभी आपका प्रश्न। गंगा
और जिसको भी प्रश्न का अभाव लग रहा है तो मैं प्रश्न पूछ लूंगा आपसे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो मैं पूछूं क्या? हाँ चलो, नवीन जी को आ गया कुछ बोलिए। आचार्य महोदय, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंपम ना हंसती परिणामम व्हाट डू यू से डिसअपॉइंटिंग इलेक्शन निर्वाचन निर्वाचन परिणामम निर्वाचन इज निर्वाचन वी कैन से राइट फॉर इलेक्शन हाँ निर्वाचन चलो राष्ट्रपति हाँ. निर्वाचन और हाँ. चुनाव चुनाव इज हिंदी इट्स नॉट संस्कृत राइट चुनाव इज हिंदी हाँ निर्वाचन आई डोंट नो इफ व्हाट इज वुड बी द वर्ड ओके आप जैसे एक साधारण प्रश्न पूछना चाहते हैं इससे जुड़ा हुआ तो आप बोल सकते हैं कि अमेरिका राष्ट्र राष्ट्रे राष्ट्र निर्वाचनम कथम अस्ति कैसा कैसा है हुआ या कैसा है कैसा लगा कैसा I wanted to ask how you felt about all if you are following how you felt about the result हाँ और फिर हम बोल सकते हैं कि उत्तमम ना हस्ति नहीं बट उसके लिए कोई और शब्द रहेगा डिसअपॉइंटिंग के लिए डिसअपॉइंटिंग के लिए खराब हुआ हाँ तो उत्तमम ना हस्ति है ना उत्तमम ना हस्ति निराशाजनक जैसे अभी हेमंत जी भी बोल रहे हैं बेहतर शब्द निराश उत्तमम में क्या बेहतर नहीं है ये बताइए उत्तमम कितना बढ़िया शब्द है और बिल्कुल साधारण पर्यायवाची होगा उसका कोई तो किसने बोला कि वही शब्द आप बार बार नहीं उपयोग कर सकते बल्कि ये तो ज्यादा अच्छा है ना कि एक तरह का शब्द यदि बहुत सारी जगहों पे उपयोग हो रहा है तो हमको तो उसकी मल्टी यूटिलिटी पता चल रही है कि यहाँ भी उपयोग कर सकते हैं यहाँ भी उपयोग कर सकते हैं जैसे हम अच्छा जो शब्द है हिंदी में हम अच्छा करते हैं ना और भी भाषाओं में इस तरह के शब्द होते हैं जो हम बहुत सारे सेंसेस में उपयोग करते हैं जैसे कोई कुछ बोला कुछ सरप्राइजिंग कुछ बोला तो हम बोले अच्छा तो आँख मतलब हमारा टोन इंटोनेशन जो है वॉइस मॉड्यूलेशन उससे पता चल जाता है कि उसका मतलब क्या है और कोई कैसी चीज कोई चीज कैसी लगी तब भी हम बोले अच्छा अच्छा है तो वो अच्छा और पहले वाला अच्छा इज टू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज फर्स्ट वन वाज लाइक वाओ दैट एक्सप्रेशन ऑफ अच्छा पर बाद वाला जो है इट इज एक्चुअली अ गुड एक्सप्रेशन यू वांट टू से ओ गुड 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 पर हाँ ऐसा कोई शब्द आपको यदि मिलता है तो जरूर बताइए मोहाजी अभी तो मुझे लगता है कि हम आसान संस्कृत पहले सीखें क्लिष्ट संस्कृत में हम धीरे धीरे जब काव्यों और ग्रंथों पे जा पाएंगे तब हम वहां पे वो भी सीखेंगे पर आम बोलचाल की भाषा में अभी तुरंत उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हेमंत जी आप कुछ बोलने वाले थे चलो तो अब मैं प्रश्न करता हूँ इस बार मोहाजी से ऐसा लग रहा है मैं ही सारे प्रश्न करता जा रहा हूँ पर ठीक है आप लोगों को भी जिसको भी कोई प्रश्न ध्यान में आए और आपने प्रश्न नहीं पूछा है तो आप पूछ लीजिए किसी को भी मुर्गा बना दीजिए कि चलो बताओ गीता जी इस बार बच गई है क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही उनकी आवाज ही नहीं आ रही पर चलो तो मोहा महोदया भारतस्य ध्वज मध्ये किम अस्ति ध्वज ध्वज मध्ये
भारत ध्वज मध्ये चक्रम अस्ति. उत्तमम् उत्तमम्. परन्तु प्रश्न गीता महोदय प्रश्न तो नहीं, पर गीता महोदय को तो आवाज ही नहीं आ रही ना. मतलब उनको हमारी आवाज आ रही है पर हमको उनकी नहीं आ रही, तो उधर तो अलग ही कथा कहानी चल रही है. अस्तु अस्तु. तो मैं इसी प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ. भारतस्य ध्वज मध्ये चक्रम अस्ति, ये आपने बताया. सो चक्र ओके. हाँ बोलिए बोलिए. नो, मैं पूछना चाहता था लाइक हाउ डू यू से दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीबॉडी. फॉर एवरीबॉडी, तो आप जैसे हम सर्वेशाम कहते हैं ना, सबके लिए नमस्कार. सर्वेशाम. हाँ हाँ. तो प्रश्नम सर्वेशाम. इदम प्रश्न सर्वेशाम. सर्वेशाम के लिए अस्ति, तो सर्वेशाम का मतलब ही है के लिए. के लिए इदम प्रश्न सर्वेशाम अस्ति. इदम प्रश्न सर्वेशाम अस्ति. पर फिर भी सर्वे जो शब्द है उसके भी विभक्तियां अलग अलग चलती हैं, तो हम सर्वे का भी एक दिन ढूंढ के निकाल लेंगे. एकारांत शब्द का, क्योंकि और फिर और उसको त्रुटि सुधार कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सीखते समय छोटी मोटी त्रुटियां नहीं कर सकते. सीखने का वही अच्छा तरीका है कि पहले दिन आपको जो ठीक लगा आपने उपयोग किया, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको किसी ना किसी दिन वो वाली विभक्तियां आएंगी. जब हम बेसिक विभक्तियां, मूल विभक्तियां सीख चुके होंगे, तब फिर हम अपना त्रुटि सुधार कर लेंगे उस दिन. तो मैं क्या बोल रहा था कि चक्र भारतस्य ध्वज मध्ये चक्रम अस्ति उत्तमम्. इदं चक्रम, इदं चक्रे कति रेखाः सन्ति. तो मैं यहाँ पे प्रश्न लिख भी देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा नया प्रश्न है. गीता जी ने प्रश्न पूछा है चैट पे. इदम, हाँ अभी देखते हैं, मैं एक बार ये चक्र वाला प्रश्न लिख दूं. इदम चक्रे, तो इदम और एतत दोनों एक ही उपयोग के लिए करते हैं हम, ये या इस. तो इदम चक्रे मतलब इस चक्र में. कति रेखाः संति. तो अब क्योंकि अभी तक हमने संख्याएं नहीं पढ़ी हैं, तो आप संख्या की चिंता मत कीजिए. प्रश्न समझ में आए कि नहीं वो बताइए. आया. कति हमने पिछले भी किसी कक्षा में उपयोग किया है. कितनी, कितना, हाउ मेनी, कितना, इतनी और कितना दोनों एक ही शब्द होता है, कति ही होता है. हाँ present, santi is present. अब गीता जी जो बोल रही हैं, देखें जरा क्या बोल रही हैं. वयम गंगा मम प्रश्नम. अच्छा वयम गंगा जलायम पिबाम हवा. वयम गंगा जलम पिबाम हवा. गंगा जलायम. She wrote जलायाम. जलम. तो जलम सीधा जलम बोल सकती ना आप. शायद ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग गंगा जल पी रहे हैं क्या. तो गंगा जल को, गंगा जल को यदि बोलना है तो जलम. गंगा जलम.
है ना गीता जी? आम वयम गंगा जलम पिबामह, और ये अच्छा आपने प्रश्न किया है, इससे हम एक चीज यहाँ पे लिखते हैं जो जानने और याद रखने लायक है। यहाँ पे लिखते हैं अहम आवाम वयम, तो ये एक वचन है द्विवचन और बहुवचन। तो आपने वो आचार्य चतुर सेन की एक पुस्तक है उसका नाम सुना है वयम रक्षामः, अहम आवाम वयम। सो अहम का अर्थ है क्या? आई मैं, ठीक है आई। आवाम मतलब हम दो, तो क्योंकि संस्कृत में अलग से बहुवचन शब्द प्रयोग होते हैं तो ये हम दो के लिए आवाम कहते हैं, और वयम मतलब हम, तो दो से ज्यादा यदि हैं तो बहुवचन वयम। तो अहम के साथ आप उपयोग करेंगे पिब यदि क्रिया है, तो अहम के साथ क्या आएगा? पिबामि, अहम पिबामि, आवाम पिबावः वयम पिबामः। तो इसको लिख लीजिए क्योंकि ये एक नई चीज है जो हम अभी अभी देख रहे हैं, इसके पहले शायद नहीं देखी है। ये मुख्य चीज भी है। हाँ, क्योंकि अभी तक हम ज्यादा अधिकतर एक वचन में ही सब कुछ सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने द्विवचन बहुवचन उपयोग नहीं किया है, पर आज गीता जी ने बहुवचन का उपयोग भी कर लिया तो इसलिए अच्छा समय है ये बताने का। तो अब इसको एक नए पृष्ठ पे लिखते हैं क्योंकि एक नई चीज मुझे आपको बतानी है। हाँ, इसको अभी फिर से दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ एक नया पृष्ठ बना ले। हाँ, तो अहम अभी इसी तालिका को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इधर कितना आता है। अहम बालकः, तो ये अलग अलग रखते हैं अभी इसको, तो अहम के साथ पिबामि उपयोग हो सकता है, और अहम बालकः अहम पिबामि, आवाम ये हमने पहले सीखा है क्या? द्विवचन में अकारांत पुल्लिंग का क्या बनता है? आवाम बालकौ, ठीक है, तो आवाम बालकौ बालकौ पिबावः,
और वयम बालकाः वयम पिबामः, इसी में बालिका का भी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अंतर है। अहम बालिका, अहम पिबामी, अहम बालिके, आवाम बालिके, आवाम पिबावह, और द्वि बहुवचन दोनों का एक जैसा है, मिलता जुलता है। वयम बालिकाः वयम पिबामः। तो गीता जी के प्रश्न से आज ये एक नई तालिका बन गई, अच्छा हो गया। पर गीता जी, आपको हमारा उत्तर मिला कि नहीं? पर आपने पूछा किससे ये तो बताइए। गीता जी ने प्रश्न पूछा तो, पर सबसे पूछा होगा ना। हाँ, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि हम गंगा जल पी रहे हैं क्या, तो अब कोई भी उत्तर दे सकता है। तो ये तालिका सबने लिख ली, हेमंत जी, वैभवी जी? लेकिन ये क्यों होता है अंशु जी, की बहुवचन के लिए फिर दो पार्ट क्यों किए गए उसके, आवाम और व्यायम? नहीं, ये द्विवचन है ना, बहुवचन नहीं है। जो बीच वाला है वो द्विवचन है। हाँ, वही मतलब ये क्यों बनाया गया है कि जैसे इंग्लिश में तो सिंपल होता है कि आई वी, उल्टा भी कह सकते हैं। तो हिंदी में भी शायद मैं और हम होता है उसके आगे, तो हिंदी में भी नहीं होता है। हम इंग्लिश तो भले छोड़ते हैं, हिंदी में हम दोनों कहते हैं ना, भले उसको एक अलग शब्द की तरह बोलते हैं, पर हम दोनों होता है। इंग्लिश में वो डिस्टिंक्शन नहीं होता जब दो लोग होते हैं या दो चीजें होती हैं, पर हिंदी और संस्कृत में, और क्योंकि हिंदी संस्कृत के ऊपर, और भी भाषाओं में मिलेगा आपको, शायद तमिल तेलुगु में भी, नवीन जी बता सकते हैं कि जब दो चीजों के लिए अलग से कोई शब्द होते हैं क्या आपकी भाषा में, जैसे नेत्र, तो अभी याद नहीं आ रहा है नेत्र, जैसे हमारे नाक है, नाक नहीं मतलब आंखें हैं, कान है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्टैंडर्ड दो ही होती हैं, हाथ पैर, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो संस्कृत में इसलिए बहुत सारी शब्दों के लिए द्विवचन, इसलिए द्विवचन बनाया गया है क्योंकि दो चीजें भी बहुत प्रचलित उपयोग में आती हैं। तो गीता जी बोल रहे हैं माँ मनम, हाँ, इंग्लिश में यदि नहीं है तो फिर वो इंग्लिश की कमजोरी है। वैसे भी इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, पर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे हैं, पर हर भाषा की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं। और संस्कृत जो है बहुत ही समृद्ध भाषा है, वो सीमाएं बहुत है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में बहुत सीमाएं। हाँ हाँ, पर ठीक है, अभी हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। गीता जी ने अभी अभी कुछ बोला है, शायद देखते हैं। तेलुगु में माँ मानम, तो माँ मतलब नहीं, माँ दो, हम दोनों, अच्छा हम दोनों, अच्छा हम, हाँ।
जैसे बोलते हैं ना हम दोनों दो प्रेमी, तो अब उसमें भी आवाम नहीं रहेगा तो फिर आप हम दोनों कैसे बोलोगे? चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो अभी मैं आपको एक नया नई संख्या सिखाता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न तो हमने कर लिया, इदम चक्रे कति रेखा हा संति। संति बोले तो है क्या, I mean present। हाँ, तो संति जो है वो अस्ति का ही बहुवचन है। तो अस्ति का बहुवचन। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ। एक सेकंड, ये मात्रा गड़बड़ा। उसके ऊपर भी मैं आने वाला था, अच्छा हुआ आपने फिर से बोल दिया। ये डब्बा बना देते हैं यहाँ पे, अस्ति स्तः संति। तो इसमें भी वही का वही है, एक वचन बालकः अस्ति, बालकौ स्तः, बालकाः संति। अस्ति स्तः, तो यदि द्विवचन है तो स्तः और बहुवचन है तो संति। तो हमको पता है कि रेखाएं ज्यादा हैं, तभी हमने रेखाः भी उपयोग किया है वहां पे, एक रेखा तो नहीं है, तो इसलिए हमने अपने रेखाः संति पूछा। 24 को क्या होता? हाँ मोहा जी बोलिए, 24 को क्या बोलते हैं? हाँ, तो अब 24 चतुर्विंशति ही, थोड़ा सा अंतर आएगा, आप लगभग सही पहुंच गए हैं। चत्वारि विंशत। ओके, विंशत क्या होता है? विंशति ही, वीस। हाँ, चतवारी तो मुझे पता है, दैट इज 14। सॉरी, 4 के लिए भी तो होता है ना चतवारी। हाँ, तो ये 4 है और ये 20 है, तो 20 और 4 24 हो गया। इसके ऊपर से जा रहा था, विंशति ही लिख रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ, विंशति ही लिख रहे हैं। हाँ, वही चतुर्विंशति ही लिख रहा, चतुर भी लिखा है क्या? ठीक है, मैंने चतुर का उपयोग भी देखा है, चतवारी भी देखा है, तो हाँ हाँ हम दोनों लिख देते हैं यहाँ पे, चतुर चतुर्विंशति ही। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम संख्या भी सीख लेंगे किसी दिन। हाँ, एक दिन पूरी संख्याएं ही उठाएंगे, ऐसा हाँ। करते हैं अगली कक्षा में हम सिर्फ संख्याएं उठाएंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तो मुझे ध्यान में रहेगा। और समय का भी एक दो बार देख लेंगे, क्योंकि समय का भी उपयोग होता है ना हर दिन। हाँ, तो हम संख्याओं के साथ ही समय करेंगे। वैसे मैंने हाँ। हमने एक बार थोड़ा सा सीखा था, क्या आपको याद है? एक वादनम। हाँ, एक वादनम, द्विवादनम, हमने सप्तवादनम, शायद कक्षा के समय को लेके हमने कभी बात की थी, सप्तवादनम कक्षा अस्ति। तो संख्याएं और समय दोनों एक साथ करेंगे। अस्तु, अगली बार कर लेंगे इसको। तो अभी आपने कौन सी पुस्तक दिखाई, वो आपकी अभ्यास पुस्तिका है क्या? हाँ, अभ्यास पुस्तिका। हाँ, उसमें काफी कुछ है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो ये वाली, ये भी तो संस्कृत भारती की है, ये वहां से ही मिली है? हाँ, क्या? हाँ, हाँ। तो वो लोग और पुस्तकें नहीं देते क्या? उनसे आपने पूछ के देखा क्या? नहीं पूछा मैम, मुझे पूछना है आप उनके पास और है क्या बगैर इधर। Maybe you can buy from them directly. हाँ, teachers रहते हैं ना, they are like all volunteers. तो तो उनके पास में शायद registrations, how many registrations happen and then they get all those books from Bharat.
go here in one go. So okay. तो अच्छा है ना, फिर आप वो साइट में चेक करके अपना लिस्ट बना लीजिए क्या क्या चाहिए, चार पांच तो पक्का। हाँ, हाँ, जैसे वो शब्दकोश है वो दोनों बहुत काम के, इंग्लिश संस्कृत एंड हिंदी संस्कृत। फिर वो कौन सी पुस्तक है, संस्कृत वदतु, संस्कृतम वदतु, वदतु हाँ। वो है, एंड साहस्त्री, संस्कृत वाक्य साहस्त्री, संस्कृत वाक्य साहस्त्री, साहस्त्री हाँ। तो उस जैसे संस्कृतम वदतु बुकलेट है छोटी सी, उसमें जस्ट अराउंड 20 पेजेस में लगभग 200 to 300 कॉमन यूज के, आम भाषा में यूज के वाक्य पूरे पूरे हैं विथ ट्रांसलेशन। तो वैसे ही ये साहस्त्री है, सहस्त्र मतलब 1000, तो वो इट्स स्लाइटली थिकर, ऑलमोस्ट 100 पेजेस आई थिंक, और उसमें भी बहुत अच्छा दिया है। अस्तु उत्तम, ठीक है। तो अभी मीटिंग अपने आप टर्मिनेट नहीं हुई तो ये अच्छी बात है, आज ये हम जूम में कर रहे हैं तो पता नहीं ये कब तक चलने देता, विच इज अ गुड थिंग। मुझे लेकिन नोटिफिकेशन आया था कि योर मीटिंग इज लिमिटेड टू 40 मिनट्स, तो पता नहीं अभी नहीं, उसके थोड़ी थोड़ी देर पहले आया था, 15-20 मिनट पहले, कि इट हैज बीन एक्सटेंडेड करके, तो मुझे लगा आपने किया। ओ हां आया था, मैं आया था नोटिफिकेशन स्क्रीन पे, हां कुछ तो आया था कि वी आर इन अ गिविंग मूड सो योर मीटिंग इज एक्सटेंडेड। हां तो जो बाइडेन विन हो, अनलिमिटेड जो बाइडेन जीता ना, इसलिए चाइना खुश है। एग्जैक्टली, सो उदार स्वभाव है उनका। पर अभी Zoom कितना चाइनीज है, आई हैव हर्ड मल्टीपल ओपिनियंस अबाउट इट, कि Zoom चाइनीज नहीं है, एक्चुअली Zoom US बेस्ड कंपनी है, इट इज जस्ट चाइनीज इमिग्रेंट्स हु स्टे इन US, एज गुड एज मार्क ज़करबर्ग फ्रॉम इजराइल स्टेइंग इन US। So it is nothing. He actually quit from Cisco. He used to work on WebEx team. He quit from Cisco and then he found this. अच्छा अच्छा, nice. हाँ तो वो जो inventor है वो Chinese है, पर actually company is a US based company. तो ठीक है, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा जो भारतीय टूल है, जैसे अभी जियो मीट है, इफ आई डोंट हैव टू रिकॉर्ड द मीटिंग, जियो मीट इज अमेजिंग। तो आप लोग भी जियो मीट उपयोग कर सकते हैं, कोई भी उपयोग कर सकता है। फिर एक से नमस्ते है, से नमस्ते भी रिकॉर्डिंग उसमें भी नहीं होती है, पर नॉर्मल मीटिंग्स के लिए से नमस्ते भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इंडियन प्लेटफॉर्म्स भी 3-4 आए हैं, अच्छे अच्छे आए हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग का फीचर क्यों नहीं डाला गया इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में? आना चाहिए, मतलब अभी निकले हैं तो आएगा, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है उनको तो मतलब दे शुड गिव द स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? हाँ, तो वो फीडबैक से होगा ना काम। जैसे अब आप जियो मीट यूज कीजिए और आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो जियो मीट वालों को फीडबैक दो, मैंने भी दिया, तो अब और बहुत सारे लोग देंगे तब उनको समझ में आएगा कि रिकॉर्डिंग। फीडबैक तो देंगे, आई एग्री, आप जो बोल रहे हो सही है, बट एक स्टैंडर्डाइजेशन है ना कि Zoom में या WebEx में रिकॉर्डिंग ऑलरेडी एक फीचर है, तो लॉन्च करने के टाइम पे दे शुड लॉन्च विद समथिंग एक्स्ट्रा देन यू नो एलिमिनेटिंग द फीचर एंड लॉन्चिंग जस्ट अ मार्केटिंग पर्पस। अब आप ऐसे सोचो तो जैसे Google Meet भी बहुत उपयोग करते हैं लोग दुनिया में, ठीक है, लेकिन गूगल मीट और गूगल मीट बहुत समय से है, लेकिन गूगल मीट में भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो अब यदि हम अपने लोगों को बोल रहे हैं कि इनने कम फीचर क्यों निकाले, तो गूगल ने भी तो नहीं निकाला ना, गूगल में आज तक रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो अब किसने क्या निकाला हो तो उनके ऊपर है, पर हमको चाहिए तो हम फीडबैक देना चाहिए हमको, क्योंकि आप जियो मीट यदि उपयोग करेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल Zoom ही है, उसका इंटरफेस भी बिल्कुल Zoom जैसा है, buttons, colors, there are so many things which look like this one. तो
टूल तो बहुत फैमिलियर टूल है, काफी यूजफुल टूल भी है, जस्ट दैट की रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं है. पर अभी और भी लोग नए नए तरीके भी निकाल रहे हैं. पीपल आर टेलिंग कि फॉर रिकॉर्डिंग ऑल्सो यू कैन यूज लोकल टूल्स, यू डोंट हैव टू यूज द टूल ऑफ द मीटिंग. स्क्रीन रिकॉर्डिंग के एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग के और भी टूल्स आते हैं, तो दे आर सेइंग कि जहां भी रिकॉर्डिंग नहीं पॉसिबल है जस्ट यूज योर ओन टूल. You can do that on the phone right now, actually. Phone mein kya? Screen recording. Screen recording with voice. With voice, huh. Even this Camtasia, then there are many other tools. Snagit also does it. Screen with voice recording. Then Screencast. There are many tools. It's just that multiple tools chalane padenge. Ek meeting ke liye aur ek recording ke liye. But it's possible. गुड, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं. ये छत्रम वाला तो प्रश्न शायद हो गया था पिछली बार, और जलयानम भी हो गया था. कूर्मह वैभवी जी लेके आई थी पिछली बार, और हमको पता चला था कि शिवालये कूर्मः अस्ति. जले कूर्मः नास्ति. तो इसके साथ में हमने क्या किया है कि जो वर्णमाला हमारी चल रही है उसके कुछ नए शब्द हमने सीख लिए हैं. और ये अभी क वर्ग चल रहा था, क ख ग घ ङ च छ ज, तो ज तक हम पहुंच गए. अभी ना झा है ना, महाप्राण. हाँ, तो हेमंत महोदय झरह कथम पतति. और झरह क्योंकि ये पानी है तो पानी के लिए हम पतति उपयोग नहीं करते. फॉल, तो पतति पानी के लिए हम नहीं उपयोग करते क्योंकि पानी इज नॉट अ थिंग दैट जस्ट लीव्स अ प्लेस एंड गोज समवेयर एल्स. तो पानी जो है कंटिन्यूस है, फ्लो करता है. है तो जो भी चीजें फ्लो करती हैं उनके लिए हम वहति या प्रवहति उपयोग करते हैं. दोनों चलता है, वहती भी चलता है, प्रवहती भी चलता है. नदी के लिए भी प्रवहती या वहती. तो हेमंत महोदय झरह कथम प्रवहती, तो कथम का अर्थ है कैसे, हाउ इज इट फ्लोइंग. और आपको एक नया शब्द उपयोग करना पड़ सकता है, पर ठीक है, मैं अभी आपको उतनी स्वतंत्रता दे रहा हूँ, आप जो चाहे उपयोग करें. जरा सूक्ष्म, आप यदि बोलना क्या चाहते हैं पहले वो बता दीजिए, हम लोग चर्चा कर लेंगे आपस में. धीरे धीरे, और तो धीरे धीरे यदि बोलना है तो आप शनै शनै बोल सकते हैं. संस्कृत में शनै शनै होता है ना, शनै बोल सकते हैं, या फिर जल्दी आपको बोलना है तो शीघ्रम प्रभवति. शीघ्रम भी होता है, त्वरितम भी होता है. तो त्वरितम, त्वरित भी जल्दी होता है, शीघ्र तो तेलुगु में भी त्वरित होता है क्या? उसी में से हाँ, त्वरितम बोले तो त्वरगा बोलते हैं, जल्दी बोले तो जल्दी. हाँ, त्वरगा. सो इट इज डिराइव्ड, ऑब्वियसली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट वर्ड. एंड शीघ्रम इन तमिल इट इज डायरेक्ट रिप्लेसमेंट शीघ्रम, शीघ्रमा. इन तमिल इट इज शीघ्रमा फॉर सूनर, या फास्ट or sooner, it is Shigrama.
और हिंदी में जल्दी कहते हैं, तो असल में जल्दी जो है हिंदी का शब्द नहीं है, जल्दी उर्दू नहीं, उर्दू है ना। हाँ, तो इसलिए उसका सं... और अभी तो मुझे ये भी पता चला है कि उर्दू के भी 70% से ज्यादा शब्द संस्कृत से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। और बाद में उसमें लगभग 30% शब्द जो है अरबी फारसी के आ गए हैं, लेकिन ओरिजिनल जो उर्दू बोली जाती है उसमें बहुत सारे शब्द संस्कृत के भी होते हैं। तो हिंदी में तो शुद्ध हिंदी में तो शीघ्र ही आ, शीघ्र आना, शीघ्र ही बोलते हैं ना। हाँ हाँ, शीघ्र बोलते हैं। You're saying can we use rabhasam? Rabhasam. कहाँ पे हेमंत महोदय? चैट पे लिखे गीता जी ने। अच्छा, एक सेकेंड, ये रभसम गीता जी अभी जल्दी के या शीघ्र के मुझे सारे के सारे पर्यायवाची नहीं ध्यान में, तो रभसम आपने कहीं पे लिखा देखा क्या? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप को कहाँ पे दिखा ये शब्द रभसम? तेलुगु एंड कन्नड़ा। अच्छा अच्छा, तो अभी तो मुझे नहीं पता कि संस्कृत में भी रभ करके वो शब्द होता है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, पर शीघ्र और त्वरित जो है बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है, तो अभी के लिए उनको ही ध्यान में रख लेते हैं। रभसम हो सकता है ये संस्कृत का स्रोत ही हो, क्योंकि शब्द सुनने से तो लग रहा है कि संस्कृत का ही है रभसम। और ये भी है कि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द भी संस्कृत बेस्ड होते हैं, तो रैपिडली जो है रभसम से निकला होगा पक्का। तो ऐसा बोल सकते हैं कि समाधान समाधानम तो झरह पर्वतात प्रवहति। हाँ, पर्वतात यदि पर्वत से, देखिए पर्वतात आप तब यूज उपयोग करेंगे जब पंचमी आप अलग होने वाला सेंस में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पर्वत से वो अलग नहीं हो रही। ठीक है ना, प्रवृत्ति का मतलब है कि वो बह रही है, तो वो पर्वत पर्वते बोलना होगा आपको फिर, कि पर्वत पर बह रही है या पर्वत। चलो वो भी लिख लेते हैं। अच्छा मतलब पर्वत ऐसा भी बोल सकते हैं ना, पर्वतेन प्रवहति। हाँ, पर्वतेन भी चलेगा, पर्वत के थ्रू या हाँ, अच्छा वाया जो हम कहते हैं, वाया और थ्रू। चलिए हेमंत महोदय, अब आप कुछ प्रश्न पूछ के देखिए, झरह को लेके भी लेके ही पूछ के देखिए, और वही का वही प्रश्न भी हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं, अब जिससे पूछना चाहे उससे पूछिए। हाँ महोदय, भवत्या राज्य झरह अस्ति? मतलब ठंड बोल रहे हैं आप? झरह झरह, ओके ओके ओके, सॉरी। तेलंगाना राज्य बहुधा बोलना चाहती हैं क्या? हाँ प्लूरल, बहुधा प्लूरल, बहुधा हो जाएगा। हाँ, बहुधा झराह या बहुधा नहीं बोलिए, सिर्फ झराह कह दीजिए। झरह एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना, राम की तरह, तो जैसे बालक बालका बालकौ बालकाह, अभी हमने पिछले पृष्ठ पे ही देखा जी, ये जी, जी। तो यहाँ पे झराह हो जाएगा। तेलंगाना राज्य बहुधा और ऐसी उसे झराह अस्ति।
बहुवचन संति 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 और दो झरने होते तो आप द्विजहरा द्विजहरा बोल सकती थी पर हाँ दो झरने कहीं भी नहीं होते तो बढ़िया है तो इसको भी लिख लेते हैं। I can try to form one question. Whoever wants to answer. छत्तीसगढ़ प्रदेश स्पेसिफिक वैभवी जी को पूछिए इस बार बड़ी देर से वैभवी महोदया छत्तीसगढ़ प्रदेशे भारतस्य भारत का सबसे बड़ा झरना है क्या भारतस्य प्रदेशे विशाल सर्वोत्त सबसे बड़ा सर्वोच्च आप सीधे भी कह सकती हैं सबसे ऊंचा तो सर्वोच्च का ऑलरेडी मतलब है कि सबसे ऊंचा तो यदि ऊंचा उपयोग करना चाहती हैं तो वो भी चलेगा। आई थिंक वो बोलना चाहती है वाइड नहीं ऊंचा या वाइड एनीथिंग आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट आई एम सेइंग छत्तीसगढ़े प्रदेशे भारतस्य सर्वोच्च जरह अस्ति वा वैभवी महोदया इज माय सेंटेंस करेक्ट बट इज माय क्वेश्चन करेक्ट छत्तीसगढ़ प्रदेशे तो अब क्योंकि आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रही हैं तो आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश या छत्तीसगढ़ प्रदेश दोनों बोलने की जरूरत नहीं या तो आप बोलेंगी छत्तीसगढ़ प्रदेश क्योंकि वो एक ही शब्द है एक ही शब्द बना दीजिए उसको और अलग अलग यदि रखना है तो भी प्रदेशे प्रदेश में जो है वो प्रदेशे उसमें आ रहा है तो आपको छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़े प्रदेशे करने की आवश्यकता नहीं है नहीं तो उसका अर्थ ऐसा हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश में दो बार में आ रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है छत्तीसगढ़ प्रदेशे भारतस्य सर्वोच्च प्रपातः अस्ति वा भारतस्य तो आएगा ना तो भारतस्य हाँ भारतस्य तो ठीक है भारत का सर्वोच्च प्रपात अस्ति वा उत्तम प्रश्न वैभवी जी आपसे प्रश्न किया है शायद मोहा जी ने और वैभवी जी भोजनम पचति वा आगच्छति आगच्छति पर मुस्कुरा के भाग गई वैभव जी जी आपके ऊपर ही प्रश्न मतलब आपसे ही प्रश्न किया था मोहा जी ने वैभवी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहा जी आपको मेरी आवाज आ रही है जी जी आ रही है चलो तो मतलब मेरी आवाज तो जा रही है अभी वैभवी जी अहम ना जानामि अहम ना जानामि शी इज ट्राइंग टू से ओ अच्छा अच्छा उनको भी शायद वो माइक में कुछ इशू आया है लगता है अरे गीता जी ने भी कुछ नई जानकारी लिखी है और वैभवी जी बोली अहम ना जानामि उत्तमम उत्तमम वैभवी महोदया अहम ना जानामि
अहम जोगह झरम पश्यामि अहम अपि जोगह झरम पश्यामि उत्तमम लिखा है कर्नाटक प्रदेशे भारतस्य अखंड जोगह झरम अस्ति हाँ जोग फॉल्स जोगह झरम पर वो बहुवचन है जोग फॉल्स जो है वो फॉल्स बोलते हैं ना तो जोगह झराहा हमको कहना चाहिए क्योंकि वो बहुवचन में ही उपयोग होता है हाँ मोहा जी आप कुछ बोल रही थी जोगो को क्यों कहा यहाँ पे जोग फॉल्स जोग नाम है एक फॉल्स का जलप्रपात का नाम है जोग फॉल्स आपकी आवाज तो हाउ डू मैंने भी देखा है मामा अहम अपि मतलब हमने एक बार फिर भी उपयोग किया था ना उसी की तरह अपि मतलब भी तो अहम अपि तो मैं भी भवतः भवती अपि आप भी भवतः अपि भवतः नहीं सॉरी भवान या भवती बोलेंगे यदि आप मुझे बोलना है कि आपने भी आपकी आवाज टूटने लगी फिर आपकी आवाज के लिए थोड़ी सी मैं ही होगा मेरी आवाज नहीं आ रही है नहीं अब आ रही है हाँ अभी बोलिए क्या मैं ही होगा कि मैंने के लिए अहम होगा मैंने भी देखा है अहम अच्छा वैसा हाँ अभी के लिए अहम अपि उपयोग कर सकती हैं अहम के भी अलग रूप चलते हैं तो हम धीरे धीरे सीखेंगे जैसे एक होता है मह्यम मह्यम का अर्थ है मुझे मैं वही पूछ रही हूँ मैंने मैं मुझे मेरा हाँ तो वो रूप आएंगे तब हम उसकी भी सीखेंगे क्योंकि अहम के साथ भी कई बार ऐसा उपयोग करना पड़ता है पर अभी के लिए अहम अपि जो है आप उपयोग कर सकती हैं मम प्रश्न पृच्छामि वा पृच्छतु झरात किम शक्ति उत्पन्न भवति झरात अच्छा प्रश्न है एक सेकंड यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ झरात किम शक्ति उत्पन्न और कैसा बोलते हैं उत्पन्न भवति उत्पादक तो प्रोड्यूसर हो गया ना प्रोड्यूसर हाँ उत्पन्न भवति उत्पन्न भवति उत्पन्न भवति अरे मैं क्या लिख रहा हूँ पता नहीं एक सेकंड बार झरात ओ आप बोलिए वो सही बोला सही प्रश्न किम झरात किम शक्ति बोला ना आपने हाँ किम शक्ति उत्पन्न भवति उत्पन्न तो वो उत्पन्न तो हिंदी हो गया ना वो संस्कृतम है या हिंदी है संस्कृत में भी होता है पर उसके लिए और भी शब्द है विभक्ति हाँ विभक्ति ठीक नहीं लग रहा है उसमें नहीं उत्पन्न के लिए एक और पर्यायवाची होता है ठीक है मुझे ध्यान में आएगा तो मैं चैट ग्रुप में बता दूंगा आस्तु, आस्तु। पर ये प्रश्न आप किससे कर रहे हैं उद्भवती हाँ याद आ गया
तो उद्भवती यदि बोला तो अलग से भवती की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ उद्भवती हाँ। हम जैसे बोलते हैं ना कौन सी शक्ति निकलती है, तो उद्भवती जो है निकलती है वाला सेंस में है, निकलती है। तो मोहाजी मोहा महोदय उत्तरम ददातु वदतु कृपया उत्तरम वदतु वदतु ददातु दोनों चलेगा। अच्छा है हाँ। उत्तमम उत्तमम क्योंकि वैभवी महोदय और गीता महोदय ना, ना ना क्या बोलते हैं फॉर ध्वनि ध्वनि नास्ति ऑडिबली कॉल पर टाइडल एनर्जी को बोलेंगे क्या? जल शक्ति। जल शक्ति संस्कृत में तो बहुत सीधा सीधा है, जल शक्ति वायु शक्ति जनरिक, इसलिए बहुत जेनेरिक लग रहा है। टाइडल इज अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड ना, टाइडल एनर्जी। हाँ उसका संस्कृत और हिंदी में अर्थ भी जल शक्ति ही होता है। आप यदि हिंदी में भी किसी भी हाइड्रल पावर स्टेशन का नाम सुनेंगी तो आप उसका नाम तो वही रहेगा, जल शक्ति। वॉटरफॉल जरह से टाइड्स तो नहीं निकलते ना, इट इज जस्ट फॉलिंग। हाँ इट्स नॉट टाइडल एनर्जी, इट्स हाइड्रल हाइड्रल पावर। अच्छा ओके, फिर तो जल शक्ति उद्भवती। हाँ उत्तमम। तो चलो आज बिना किसी ब्रेक के 8:30 हो गया है। तो अब हम किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। वैभवी जी कुछ बोल रही हैं, शक्ति इज स्त्रीलिंग। हाँ शक्ति इज स्त्रीलिंग, शक्ति इज ऑब्वियसली स्त्रीलिंग, शिव शक्ति, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको वो डाउट क्यों आया हुआ है जी? शक्ति इज लाइक फुली स्त्रीलिंग। हाँ और शक्ति इज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। सो शायद पूछना चाहते हैं उधर कुछ विभक्ति लगती है क्या स्त्री, सिंस इट इज स्त्रीलिंग वो प्रश्न में, मगर मुझे तो पता नहीं। हाँ, आप ही नहीं पर ठीक है, जहाँ पे हम शक्ति का वैसा प्रयोग कर रहे हैं कि वो करता है तो वैसे भी वो प्रथमा ही है, तो इसीलिए जहाँ पे भी शक्ति कुछ और काम कर रही है या शक्ति का शक्ति को जब हमको वैसे उपयोग करने तब हमको विभक्ति का सोचना पड़ेगा। हाँ। पर जहाँ पे मूल शब्द का उपयोग हो रहा है वहां पे शक्ति शक्ति ही रहेगी, नदी नदी ही रहेगी, है ना, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। चलिए तो कक्षा समाप्तम करोमि। आनंदम भवतु सर्वेषां, सर्वेषां नमो नमः, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, धन्यवाद, पुनः मिलामः, पुनः मिलामः, पुनः मिलामः।